इंटरनेशनल तीरंदाज खिलाड़ियों को स्विट्जरलैंड में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है ताकि भविष्य में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता एशियाई खेल के अलावा ओलंपिक 2024 खेलों में देश की तरफ से मजबूत दावेदारी पेश की जा सके। कोलकाता गुवाहाटी इम्फाल केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे कुल 18 खिलाड़ी जिनमें 8 लड़कियां और 5 प्रशिक्षक सोनीपत के साई खेल केंद्र पहुंच चुके हैं। 5 अगस्त को सभी स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होंगे। देश के आर्चरी खिलाड़ियों को मजबूत बनाने के मकसद को लेकर अब उन्हें देश से बाहर ट्रेनिंग पर भेजा जा रहा है। आप यहां देख सकते हैं कि यह देश के होनहार आर्चरी खिलाड़ी हैं और खास बात यह है कि नेशनल खेल चुके हैं और वर्ल्ड की टीम में शामिल करके इनको मजबूत किया जाए, इसलिए यह टीम जो है बाहर जा रही है। एक बार हम खिलाड़ियों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम वर्षा सोना है। अच्छा वर्षा सोना जी, टीम जो है ट्रेनिंग के लिए कहाँ जा रही, क्या फायदा मिलेगा? मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ और हम साई में प्रैक्टिस करते हैं और साई हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है स्विट्जरलैंड प्रैक्टिस करने के लिए ताकि हम टीम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए सेलेक्ट हो सके और आगे हमारे जो वर्ल्ड गेम वगैरह ये सब होंगे उसमें हम अच्छा परफॉर्म दे सके। इस वजह से हमें साई की टीम स्विट्जरलैंड भेज रही है ताकि हम वहाँ पे अच्छे से सीख के आए, नॉलेज ले अच्छा सा और मतलब अच्छे से हमारी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ा सके। अच्छा जिस तरह से अच्छा मिल सके और अच्छा कर सके, मकसद यही है। और ये भी देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर लड़कों की टीम है, ये भी जो है ट्रेनिंग के लिए देश से बाहर जा रही है। इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम वेंकटाद्री है, मैं इंटरनेशनल आर्चर हूँ और मैं पहले थैंक्स बोल रहा हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी चीज है कि अभी वर्ल्ड आर्चरी एक्सेलेंस सेंटर जा रहे हैं हम लॉसन में स्विट्जरलैंड में ताकि वर्ल्ड के साथ हम लोग इंडियन प्लेयर्स भी कम्पीट करें और देश को मेडल लाए। अभी ये जो होने वाली ट्रेनिंग है ये 7 दिन का ट्रेनिंग है। हम लोग अभी पता चलेगा फॉरेन टेक्निक क्या हो रहा है, लो हार्ट रेट या मेंटेलिटी कैसे मेंटेन करना पड़ेगा और हाई लेवल पे कैसे कम्पीट करना पड़ेगा। आज इस तरह से खिलाड़ियों ने बताया है कि अगर विदेश में जाकर मुकाबले जीतने हैं तो उनकी भी टेक्निक जरूर सीखनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 कोच भी इनके साथ हैं और इनको यहाँ सोनीपत के साई खेल केंद्र में ट्रेनिंग देते हैं। एक कोच है यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विवेक कुमार है। अच्छा विवेक कुमार जी, टीम कहाँ जा रही है, कितने खिलाड़ी जा रहे हैं और क्या फायदा मिलने वाला है? टीम वर्ल्ड आर्चरी एक्सेलेंस सेंटर लुजान के स्विट्जरलैंड में जा रही है और टीम में 7 लड़कियां हैं, 11 लड़के हैं, 5 प्रशिक्षक जा रहे हैं और इनको अभी ये एनसीवी के प्लेयर्स हैं और एनसीवी से जो 5 एनसीवी हैं भारत में उनसे सेलेक्ट होकर जो प्रोबेबल जो इंडियन टीम में आने वाले हैं आने वाले समय में उनको ले जाया जा रहा है। उनको बाहर फॉरन में एक्सपोजर मिलेगा, वो बाहर में टेक्निक सीख सकेंगे, नई चीज़ों को देखेंगे और वो अप्लाई करेंगे जिससे कि आने वाले समय में भारतीय टीम में अपनी जगह बना पाए और उनसे अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत, हरियाणा।